अरे भाई तुम तो से माने उठो बोल 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 से माने क्या बोल 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 क्या क्या बोल बोल अरे मस्जिद के पास क्यों जा रहे हो भाई या पियो भाई भाई आ गया चलिए। एमसीएल रावत दादागिरी कंपनी ना रे चली छी गुंडाराज एडी कंपनी माने पोसा गुंडा लगाई चलाई छती मनमानी सबू देखुची सबू सुनुची हेले चुप मारी बसी प्रशासन बैंक भावरे दिन दुई प्रहर रे घर ठारू मात्र 30 मीटर दूर रे माटी ओ कोइला खनन चली छी। एडी प्रतिवाद के विरोध कले उठुची हतिया खाली सेति किन हुए ए संपर्क रे जने आईएनजीबी कंपनी को अवगत कराइबा को जाइथिबा बळे आईएनजीबी को मरणात्मक आक्रमण करी छी आरकेटीसी कंपनी। इन्हें कन्या थाना लिखित अभियोग भी होगी अभियोग नौ दिन बीती पुलिस कार्यानुषान सु कहीं गिरफ्तार अभियुक्त पुलिस प्रशासन कहीं साधारण प्रश्नवाची सृष्टि आमे कहू अनुगुल जिला कन्या एमसीएल कथा जरडा ग्रामर सचिदानंद देहुरी जड़े आईनजीवी भाव में 1995 मसीह तालचेर कोर्टे आज पर्यंत कार्य कर श्री देहुरी आरकेटीसी कंपनी रो मैनेजर दायित्व जने कर्मचारी को हाईकोर्ट नोटिस अनुजाई माटी खोला होता कार्य को बंद करने को कहीं आईनजीवी कहवा मुताबक घर ठार 300 मीटर दूर से माटी खोलिबा कथा। मो ना सच्चिदानंद देहुरी मु तालचेर कोर्ट 1995 मसीह आईनजीवी हिसाब से कार्य करूँ कंपनी कर्तृपक्ष विरुद्ध में गोटे हाईकोर्ट रिट फाइल करी मान्यवर हाईकोर्ट गोटे मध्यवर्ती काल इंटरिम अर्डर देते जो घर ठार बासगृह ठार 300 मीटर भितर कौन माइनिंग ब्लास्टिंग ऑपरेशन काम सब करें ना कि घर ठार बड़ दुखर विषय घर ठार मात्र 25-30 मीटर दूर से कंपनी कर्तृपक्ष भड़ाटिया गुंडा मानक धरिक आसिक जबरदस्ती कम करते मुझे कहली भाई हाईकोर्टर इंटरिम अर्डर अच्छी आपड़ दयाक दूर से खोलतु ये रहीबाटा पूरा विपदपूर्ण केतले घर माड़ बस जीवन भी चली जाव तेणु से मत न मानि मत मारिद उदेश पूर्वकल्पित अनुसार से पांच जन भर बाप पु दुज दुज मिसिक मत मरणात्मक आक्रमण कर छाती धक्का मानव तले पकईदे मुझे संध्या समय थाना गोटे एफआईआर देती एफआईआर दे थाना अधिकारी 307 और अदर आनसिलियर अफेन्स एफआईआर रेजिस्टर्ड कले रेजिस्टर्ड कलापर मध्य एपर्यंत दीर्घ नौ दिन बीती जाइले एपर्यंत आरेस्ट करूना किंतु ताहा न करी घर ठारु मात्र 30 मीटर दूर से माटी खोला होता बेले श्री देहुरी माटी खोलिबा पई मना करथिले प्रश्न उठुची यदि कंपनी रो कार्य को आईएनजीबी बंद कले कंपनी कर्मचारी एमसीएल अधिकारी को जणाइबा कथा ताहा न करी कंपनी रो जने कर्मचारी केउ आधार रे जने वकीलंक उपरे आक्रमण कले कहा बल रे एठी कर्मचारी बलियार आरकेटीसी कंपनी रो कर्मचारी आईएनजीबी को उपरे आक्रमण रो वीडियो एबे द्रुत गति रे वायरल होउछि आक्रमण करितबा आरकेटीसी कंपनी रो मैनेजर नरसिंह सिंह एवं पुओ आशीष सिंह बोली जणा पडिछि आक्रमण समय रे 5-6 जण युवक पाखरे मध्य उपस्थित थिले एरे आईएनजीबी कनिया थाना रे लिखित अभियोग करिछथि हेले अभियोग होइछि सत हेले एपर्यंत अभियुक्त को गिरफ होइ नाही एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करिछि अभियुक्त बाप पुओंक नाँ रे मामला रुजु होइछि संगीन दफा भी लागिछि दफा आईपीसी धारा 294 323 307 506 एवं 34 आईपीसी भली अति सांघातिक दफा लागिछि एटी प्रश्न उठुछि एते संगीन दफा लागितबा सते काहेकि अभियुक्त को देहरे हाथ लगाउनी पुलिस तबे कहा बल रे एटी कंपनी बलिया कंपनी एटी कि भली दादागिरी चलाइछि ए दृश्य स्पष्ट बयान करुछि अभियुक्त को गिरफ्त करी दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण करने वकिल संघ को लिखित भाव श्री देहुरी जनाई श्री देहुरी कहते संघ उपरे मोर बहुत विश्वास अच्छी अभियुक्त को निहाती दंड मिल शारीरिक मानसिक क्षेत्र में उभय क्षेत्र में मर्माहत एवं मोर जीवन प्रति विपद रही कंपनी कर्तृपक्ष तार भड़ाटिया गुंडा मैंने मतलब विभिन्न प्रकार फोन मध्यम कंप्रोमाइज कर ये कर सब प्रकार भी कथबार्ता करुँच बर्तमान भयातुल अवस्था दुखद अवस्था रोचे कौन ये विषय में बार को लिखित भाव में जनईली बार आसोसीएसन कर्मकर्ता मैंने सीआर पदक्षेप ने मोर दृढ़ आशा और विश्वास रही तेरे एभली घटना को विभिन्न महल निंदा कर अनुगुल कनियारू मनोज साहू का रिपोर्ट।
प्रतिज्ञा टीवी।